क्या हम मगरब से यानी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उन तमाम ममालिक से जो अपनी मजहबी अकलियतों को या नस्ली अकलियतों को जब बहुत आला तरीके से ट्रीट करते हैं तो क्या हम उनसे सबक सीखते हैं? तो आइए हम ज़रा इस बात पर आज गौर करें। ये मेरी अपने ख्यालात हैं तो मैं चाहता था कि अपने दोस्तों तक इन ख्यालात को पहुँचाया जाए। ये हाल ही में पिछले दिनों कनाडा में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के कनेडियन मकामी लोगों ने और वहाँ की इंतज़ामिया ने अकलीती कम्यूनिटी जिनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया उनका बड़ा साथ दिया और दे रहे हैं। और आज भी सुबह जब मैं BBC पर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अब भी कई कनेडियन जो हैं वो मुस्लिम कम्यूनिटी को हरासा कर रहे हैं तो मैं सोच रहा था, मैंने देखा कि बल्कि वहाँ पर लोगों ने बताया BBC के प्रोग्राम में कि उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस 15 मिनट में वहाँ पहुँच गई। तो मैं जब इन तमाम हालात को, इस वाक़े को अपने मुल्क पाकिस्तान से रिलेट करता हूँ तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो मजहबी अकलीतों का जो बुरा हाल है वो तो पूरी दुनिया के सामने है। वहाँ की पुलिस, वहाँ के जो लोग हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जैसे गैर इंसानी तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं उसकी तो पूरी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो काश, मेरी ख्वाहिश है कि काश हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क की इंतज़ामिया भी मजहबी अकलीतों के हकूक़ के लिए कनाडा के अवाम और कनाडा की इंतज़ामिया और कनाडा की सरकार की तरह मजहबी अकलीतों के साथ वहाँ पर खड़ी हुई।